नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो कक्षा दसवीं का दोस्तों आपका अंग्रेजी का जो पेपर होने वाला है दोस्तों, आपका नेक्स्ट पेपर इंग्लिश का है, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको बताया जाएगा किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, जो कि आपके लगभग जो 100% क्वेश्चन रहते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं आपको फुल सॉल्यूशन आपको यहाँ पर साथ ही साथ बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। और अगर आपने अभी तक चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लगातार जो आपका वार्षिक एग्जाम चल रहे हैं उसकी हम तैयारी करा रहे हैं, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया था आपका, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो हम इस पैसेज को पढ़ रहे हैं, यहाँ पर देखिए, लॉन्ग एगो इन मोगली देयर लिव्ड एन एम्परर हु फियर्ड ग्रोविंग ओल्ड, ठीक है। इस तरीके से पूरी पैसेज को आपको कैसे रीड कर लेना है, ठीक है। पैसेज को रीड करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन दिया गया था आपका कि द एम्परर वाज अपसेट टू सी द ओल्ड मैन बिकाउज। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो इसका दोस्तों जो आपका हो जाएगा, इट रिमाइंडेड हिम दैट ही वुड ग्रो ओल्ड टू, ये फर्स्ट का आंसर है। सेकंड क्वेश्चन आपका था, द पीपल सा द गोल्डन पिक्चर। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, इन ए लैकी नियर बाय, ठीक है। थर्ड दिया गया था, द एम्परर ओल्डर वर दैट आल द, तो इसका हो जाएगा आपका, ओल्ड मैन शुड लीव इन हिज हैंड। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर चार का आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट था, व्हाट डिड द पीपल हु वेंट टू ब्रिंग द पिक्चर गेट। तो इसका आंसर हो जाएगा, ए हैंडफुल टू एयर, ठीक है। और आगे देखिए, नेक्स्ट है द एम्परर फियर्ड, तो ये आपका हो जाएगा गेटिंग ओल्ड। ये आपके क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन के सभी मैंने आंसर आपको बता दिए हैं, ठीक है। फर्स्ट आपकी पैसेज ही आती है, सेकंड क्वेश्चन आपका आता है, देखिए, रीड द फॉलोइंग बिग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो यहाँ पर एक और हमें पैसेज दी गई है, तो इसे हमें पढ़ कर क्या क्वेश्चनों के हमें आंसर देने हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला दिया गया था, द मेन सोर्स ऑफ एनिमल ऑयल इज, यानी कि जो एनिमल ऑयल का जो मेन सोर्स यानी कि स्रोत है, या हम बोल सकते हैं स्रोत है, वो क्या है, तो व्हेल हो जाएगी आपकी, ठीक है। सेकेंड है, वेजिटेबल ऑयल इज मेनली यूज फॉर, तो जो वेजिटेबल ऑयल है वो मेनली यूज होता है कुकिंग के लिए, ठीक है। फिर आता है, द ऑफ फिश यील्ड्स न्यूरिशिंग ऑयल, तो ये आपको हो जाएगा लीवर, ये आपको लीवर आंसर हो जाएगा। फिर आता है, द थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ फैट ऑन ए वेल इज कॉल्ड ए, तो ये आपका हो जाएगा ब्लू बर्ड, ठीक है, इसे आपको कर लेना। फिर आता है, द नाउन फ्रॉम द ऑफ द वर्ल्ड प्रोटेक्ट इज, तो प्रोटेक्ट का हमें नाउन बताना है, तो ये आपको हो जाएगा प्रोटेक्शन, तो इसे आपको कर लेना है, ठीक है। इसी प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया गया है, जो कि रीड द पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन इट एंड आल्सो गिवन ए सुटेबल टाइटल, यानी कि यहाँ पर आपको क्या नोट्स बनाने हैं, ठीक है, और आपको टाइटल देना है, इस जो पैसेज दिया गया है इस पैसेज का टाइटल देना है, और आपको क्या है सुटेबल टाइटल नोट्स बनानी है। तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से आपको बनाने हैं, यहाँ पर देखिए इस टाइटल इसका हो जाएगा, जो कि यहाँ पर दिया गया है टाइटल आपका हो जाएगा हाइट, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर नोट्स इस तरीके से लिखने हैं, पहला आपका हो जाएगा फंक्शंस ऑफ हार्ट, तो आपको लिख देना हार्ट इज वन ऑफ मोस्ट विटल कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी। सेकेंड आपका हो जाएगा, इट्स कंटिन्यूस जॉब टू कीप ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्लाइंग टू बॉडी। फिर आपका डिसीज ऑफ हार्ट, यानी कि जो कौन कौन सी आपकी बीमारी हो सकती है, तो इट कैन रिजल्ट फ्रॉम डैमेज हार्ट मसल्स वेल्व्स और PCMKR, ठीक है। अब देखिए, रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव हार्ट, तो किस प्रकार से रिप्लेसमेंट कर पाएंगे वो भी यहाँ पर दिया गया है। इस तरीके से आपको नोट्स बनाने होते हैं अपने एग्जाम में, ठीक है, तो देख के जाइएगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर चार, जो कि आपका दिया गया है, यू आर अनूप शर्मा स्टडिंग इन गवर्नमेंट हाई स्कूल रीवा, राइट इन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू योर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट बिकॉज योर फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू भोपाल। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करना है आपको, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट का है, क्या है दोस्तों, आपको एप्लीकेशन लिखना है, क्योंकि आपके पिताजी का ट्रांसफ़र कहाँ पर हो गया है, भोपाल में हो गया है, ठीक है। तो इसी के आधार पर आपको क्या है, पूरा ही आपको लिखना पड़ेगा, जो कि आपका एप्लीकेशन है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल रीवा। सब्जेक्ट दिया गया है एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, या आपका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट का एप्लीकेशन है। रिस्पेक्टेड सर, या आप मैडम भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है, विद ड्यू रिस्पेक्ट दिस इज इन्फॉर्म्ड यू टू दैट आई एम 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, ठीक है। माई फादर इज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, हिज जॉब नेचर इज ट्रांसफरेबल एंड ही हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम भोपाल, ट्रांसफर्ड फ्रॉम भोपाल, ठीक है। सो नाउ वी हैव ए शिफ्ट दायर क्विकली एंड आई हैव टू टेक एडमिशन इन स्कूल देयर टू कंटिन्यूस माई एजुकेशन।
फॉर दैट आई नीड स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट। तो देयर फॉर आई स्ट्रॉन्गली रिक्वेस्ट यू टू अर्जेंट इशू माई स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट सो दैट आई कैन गेट एडमिशन इन एनी स्कूल इन मुंबई। आई विल बी फॉर एवर ग्रेटफुल टू फॉर दिस काइंडनेस। थैंकिंग यू लिखना है फिर यहाँ, और जो एविडेंटली आपको यहाँ पर लिख लेना है, नाम लिख लेना है जो आपको क्वेश्चन पेपर में दिया जाएगा वो नाम आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पर क्वेश्चन करना था। आगे भी देख सकते हैं यहाँ पर आपको जो ऐसे आता है, राइट एन ऐसे एन वन ऑफ ऑन एनी वन ऑफ फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 150 वर्ड, यानी कि आपको वंडर ऑफ साइंस का मैंने ऐसे यहाँ पर बता दिया। इंट्रोडक्शन यहाँ पर देख सकते हैं, इट इज़ द एज ऑफ साइंस, देयर आर मेनी वंडर ऑफ साइंस, साइंस प्लेज एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन अवर डेली लाइफ, ठीक है। इट हैज़ मेड अवर लाइफ ईजियर एंड मोर कम्फर्टेबल, साइंस इज नथिंग बट ए सिस्टमेटिक वे ऑफ नॉलेज एंड लिविंग, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है मेन क्वालिटी ऑफ क्यूरियोसिटी अलर्टनेस एंड कीप ऑब्जर्वेशन ऑफ चेंज इन नेचुरल हैप्पीनेस हैज गिवन बर्थ टू साइंस एंड साइंटिफिक स्टडी। इसी प्रकार आपको सही पॉइंट यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, साइंटिफिक इन्वेंशन यानी कि वैज्ञानिक आविष्कार है, इलेक्ट्रिसिटी आपको हो जाएगी, विद्युत बिजली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आपका हो जाएगा, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन संचार के साधन, मेडिसिन एंड सर्जरी, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। प्रातः एटॉमिक एनर्जी परमाणु ऊर्जा कंप्यूटर, ये आपका हो जाएगा। डिसएडवांटेज ऑफ साइंस भी है विज्ञान से हानियाँ। प्रातः आपका कंक्लूजन जो कि आपका होता है उपसंहार, तो ये भी आपको याद कर लेना, ठीक है। सभी जितने भी क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट है, सभी को आपको याद कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पर आगे देख सकते हैं क्वेश्चन 6 दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स भी आपको यहाँ पर दिए गए हैं, डू डच डायरेक्ट भी दिए गए हैं और उनके आंसर भी आपको यहाँ पर दिए गए हैं, तो सभी को आपको याद कर लेना। क्वेश्चन 9 भी देख सकते हैं, क्वेश्चन 9 के आंसर भी यहाँ पर दिए गए हैं, तो सभी क्वेश्चन 10 के भी आंसर दिए गए हैं, सभी आंसरों को आपको याद कर लेना, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ये सभी क्वेश्चन आ सकते हैं, सभी क्वेश्चनों को याद कर लीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।